व्हाट इफ कोहली ली शेप द वर्ल्ड। तो व्हाट्स अप बडीज, इस वाली वीडियो में मैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 के बारे में बात करने जा रहा हूँ और इस वाले एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा, इसकी एंडिंग को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि टाइटल से हमें पता लग रहा है, जो ये वाला एपिसोड है ये हमें करेक्टर के बारे में दिखाया जाएगा और जिस करेक्टर का यहाँ पर नाम है कोहली। अब ये यहाँ पर जो करेक्टर है कोहली, ये हमें एक ब्लैंड न्यू करेक्टर देखने को मिली है जिसका कॉमिक्स में कोई भी ओरिजिन नहीं है और मार्वल वालों ने पहले ही इसको बता दिया था कि हम इसको सीजन 2 में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस वाले एपिसोड की जो बेसिक स्टोरी है, हमें वॉचर ये बताता है कि जब रैग्नारॉक ने डिस्ट्रॉय कर दिया था एसगार्ड को, तो यहाँ पर जो टेसरैक्ट है वो सीधा पहुंच गया था नॉर्थ अमेरिका में। और ये जो हमें टाइम दिखाया जा रहा है, ये जिस यूनिवर्स की बात हो रही है, ये यहाँ पर क्रोडियनाइजेशन का जो एरा था उससे पहले का बताया जा रहा है और वो वहाँ पे अर्थ पे पहुंच गया था नॉर्थ अमेरिका में। और वहाँ पे हमें एक ट्राइब देखने को मिलता है, अगर मैं बात करूँ बेसिकली उस ट्राइब की, हमें वहाँ पर डेंजरस ट्राइब देखने को मिलता है, मतलब ऐसे लोग जो कि एक ही कम्युनिटी के, वहाँ पे एक ट्राइब हमें वहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है। और उस ट्राइब में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसका यहाँ पर नाम होता है कोहली, और हम देखते हैं कैसे वो वहाँ पर अपने भाई के साथ जो है ना डिस्कवर न्यू प्लेसेस कर रही होती है, इधर से उधर भाग रही होती है, और हम देखते हैं कैसे वो एक जंगल में पहुँच जाती, एक फॉरेस्ट में पहुंच जाती है, और उसके बाद एक स्केलेटन भी पड़ा हुआ होता है। और वहां पे ये दोनों यही बात करते हैं कि बेसिकली जो ये वाली जगह है, यहां पर लोग ये कहते हैं कि ये पोजेस है, यहां पे नहीं जाना चाहिए। और ऐसे रूमर्स भी आए हैं कि यहां पे एक लेक है, उस लेक के अंदर कोई भी जाता है ना तो वो वापस निकल के नहीं आता। मगर हम देखते हैं जो ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, इनको लेक दिखती है जिसके ऊपर वहां पे डक्स जो है ना वो तैर रही होती है, और उसी दौरान इनको एक फायर सुनने को मिलती है। और दोबारा ये जल्दी से जाके अपने विलेज पे जाते हैं, और जो वहां पे इनका विलेज होता है, जो ट्राइब के लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में होते हैं क्योंकि वहाँ पे आज आ गए होते हैं कुछ एनिमीज। अब हम सबसे पहले एनिमी के बारे में बात कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, ये हमें कोलोनियलाइजेशन से पहले का टाइम दिखाया जा रहा है। वहाँ पे यही था कि पोर्चुगल हो गया, स्पेन हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाके जो है ना लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हमारी हो जाए। तो यहाँ पे हमें जो विलन दिखाया गया, वो हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं स्पेन के सोल्जर्स, और यहाँ पर इस विलन का नाम है डॉन रोड्रिगो अल्फोंसो गोंजालो। और हम देखते हैं कैसे यहाँ पर ये जो आदमी होता है, ये पूरी अपने ट्रूप्स के साथ स्पेन से इधर आया हुआ होता है, और ये इधर इसलिए वजह से आया होता है उसी रिवर का पता लगाने, जैसे जिसका मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था, हमें एक मैजिकल रिवर यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कैसे ये दोनों छुपते छुपाते वहाँ से जो है ना जंगल की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं, और वो वाले ट्रूप्स के लोग भी इनको फॉलो करते हैं। मगर हम देखते हैं एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो कोहली होती है वो वहाँ पर जो है ना लेक के अंदर गिर जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कैसे काफ़ी ज़्यादा वो डीप चली जाती है, जो रिवर होती है वो उसको जो है ना ऊपर अपनी तरफ थ्रस्ट करता है, और वो हमें देखने को मिलती है एक पोर्टल से नीचे आते हुए, और वो वहां पर एक जंगल के अंदर लैंड कर जाती है। मगर जो ये वाली लोकेशन होती है, ये यहां पर बिल्कुल एक न्यू लोकेशन होती है, हमें न्यू सब कुछ देखने को मिलता है। और हम देखते हैं वहां पे उसकी जो होती है एक मुलाकात होती है अटरहक से, हमें जो एक न्यू करेक्टर देखने को मिला, बेसिकली वो उसको ये बताते हैं। और उसके बाद हमें वॉचर की भी ये बात सुनने को मिलती है कि जो टेसरैक था वो सीधा चला गया था एसगार्ड से इस वाली जगह पर, और इसने यहां पर जो है ना काफी ज्यादा एनर्जी फॉर्म की, और एक रिवर के अंदर, एक रिवर की फॉर्म है उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जाइज हो गया। उससे ये हुआ, उस रिवर के अंदर जो भी जाता है वो इस वाली न्यू जगह पर आ जाता है, और इस वाली जगह को इस वाले एपिसोड में कहा गया है स्काईवर्ल्ड। अब यहां पर कोहली यही फाइंड करती है कि यहां पर जो लोग हैं, मतलब पावर्स ही पावर्स हैं, यहां पर वो इमोर्टल हैं, अपनी डेली लाइफ में पावर्स का यूज करते हैं, जो भी वो कुछ करना चाहें कर देते हैं। मगर हम देखते हैं कैसे ऊपर एक पोर्टल होता है जिसके थ्रू आई थी, वो वहीं पर जाना चाहती है कि नहीं मेरे लोगों को खतरा है, मुझे वहीं पर जाना होगा। और हम देखते हैं कैसे वहां पर जो एट्रैंकर्स होता है वो उसको बताने की भी कोशिश करता है कि नहीं तुम वहां पर नहीं जा सकती। हम देखते हैं वो अपने मैजिक का यूज़ करती है, मैजिक को सीखती भी है, टहनियों का भी यूज़ करती है ऊपर तक पहुंचने के लिए, मगर वो इसमें नाकाम हो जाती है। और हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो एट्रैंकर्स होता है वो उसको एक आवाज़ सुनने को मिलती है, और यहाँ पर ये हंट करते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा जाइंट बीस्ट देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर से इनको क्रिस्टल टाइप फ्रूट्स होते हैं वो उतारने होते हैं। और हम देखते हैं कि कोहली भी जब यहाँ पर आती है तो वो अपनी मैजिक का यूज़ करती है, और सबसे ज़्यादा फ्रूट्स जो है ना वो वहाँ पर अपने पास जमा कर लेती है, यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे वो अपने वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके साथ सेलिब्रेशन भी कर रही होती है, और हमें ये फील आ रही होती है कि यस अब यहाँ पर जो है ना इसको भी आहिस्ता आहिस्ता कोहली को भी इस वाली जगह से प्यार हो गया, और वो इस वाली जगह पर अब रहना सीख रही है। मगर दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं हमें जो दूसरी रियल जगह दिखाई जा रही होती है, जो हमें यहाँ पर डॉन रोड्रिगो देखने को मिलता है, वो वहाँ पर लोगों से यही पूछता है कि उस वाली जगह का बताओ, वो रिवर कहाँ पर है जहाँ पर पावर्स हैं। और हम देखते हैं कैसे ये जो है ना सीधा रिवर के पास चला जाता है, और वहाँ पर इसके जो आदमी होते हैं वो भी रिवर के अंदर जो है ना छलांग लगाते हैं, और जो ही वो जाते हैं उसको
ये लगता है कि ये अब खत्म हो गए, ये अब एलिमिनेट हो गए, मगर उसको ये वाली चीज़ नहीं पता थी। वो भी उस वाली स्काई वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और जो ही वो वहां पर पहुंचते हैं वो वही देखते हैं कि सेलिब्रेशन यहां पर हो रही है, यहां पर लोग इंजॉय कर रहे हैं। और हमें यहां पर कैहोरी देखने को मिलती है, उसको एकदम से पता लग जाता है कि यहां पर कुछ एनिमी आए हैं और ये वही वाले लोग हैं, और वो अपनी पावर का यूज़ करके उनको काफ़ी बुरी तरह से वहां पर मारती है और काफ़ी मतलब बिल्कुल जो है ना ख़त्म ही करने वाली होती है। और उसको गुस्सा आ रहा होता है, वो उन लोगों से ये कहती है जो स्काई वर्ल्ड में लोग होते हैं कि तुम लोग यहाँ आ तो गए हो उस रिवल की मदद से, मगर तुम लोग जो है ना अपना पास्ट भूल गए हो कि हम जहाँ पर ओरिजिन है हमारा वहाँ पर वो किस मुश्किलात में रह रहे हैं। और वो इतनी पावर यूज़ करती है कि वो जो पोर्टर है उसको भी वहाँ पर ले आती है। और हम देखते हैं जो भी उसको वहाँ पर लाती है वो यही कहती है कि अगर तो तुम लोग जो है ना सच्चे यकीन कर रखने वाले लोग हो तो तुम मेरे साथ यहाँ पर आओगे, और जो हमारे लोग हैं जो हमारा रियल वर्ल्ड है जो उसके ट्राइब के लोग हैं तुम उसका साथ दोगे। और हम देखते हैं कि होली वहाँ से उस पोर्टर के थ्रू चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें जो डॉन रोड्रिगो देखने को मिलता है उसको तो ये लगता है कि जो रिवर है ये सब कुछ झूठ है, कुछ भी नहीं था, वो इन सब लोगों को अपने साथ स्पेन लेके जा रहा होता है। मगर जो ही वो लेके जा रहा होता है पीछे से कैहोरी आ जाती है और वो वहाँ पे इन सब लोगों को जो है ना मारने की कोशिश करती है, मगर एक बड़ा सा कैनन उसके मुंह पे आगे लगता है और वो वहाँ पे गिर जाती है। और इसके बाद जो ही डॉन रोड्रिगो उसको मारने की कोशिश करता है वहाँ पर आ जाता है ऑल कोई नहीं बल्कि एड्रैंकस, उसके जो दोस्त हैं और जो उसकी पूरी न्यू ट्राइब होती है जो कि उसको वहाँ पर स्काई वर्ल्ड में मिला था, वो सारे वहाँ पर आ जाते हैं और इसकी मदद करते हैं। और हम देखते हैं कैसे ये जितने भी यहाँ पर फ्लीट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पे अपने ट्राइब के लोगों को भी रेस्क्यू कर देते हैं। ये हमें इस बार एपिसोड की एंडिंग में देखने को मिलता है। लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं हमें स्पेन देखने को मिलता है। बेसिकली स्पेन में जो क्वीन होती है उस टाइम स्पेन की, जिसका यहाँ पर नाम होता है क्वीन इजाबेला, तो हम देखते हैं कैसे वो उसके पास जाते हैं और वो वहाँ पर यही कह रही होती है कि हमारा जो फ्लीट गया था उसको किसने रोका, मतलब उसको तो कोई मार भी नहीं सकता था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसी टाइम वहाँ पे आ जाते हैं ऑल कोई नहीं बल्कि कैहोरी अपनी पूरी ट्राइब के साथ काफ़ी ज़्यादा फोर्स में, और वो वहाँ पर जो स्पेन की क्वीन होती है उसको पीस का कहती है कि हमें यहाँ पर पीस करनी चाहिए, हमें यहाँ पर लड़ना नहीं चाहिए। मगर पहले तो वो बात नहीं मानती थी, कैहोरी को ज़बरदस्ती वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है और उसका जो थ्रोन होता है वो भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम देखते हैं उसके बाद कैसे इन दोनों के दरमियान हमें पीस दिखाया जाता है। और अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, और हम देखते हैं इसी दौरान एंट्री होती है और किसी की नहीं बल्कि सुप्रीम स्ट्रेंज की। यस, यहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज आता है, वो उसे ये कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें काफ़ी देर से फाइंड कर रहा था, और एपिसोड एंड हो जाता है। अब ब्रीफली इसकी एंडिंग के बारे में बात करते हैं। देखें, हमने जो सुप्रीम स्ट्रेंज है उसको लास्ट टाइम कब देखा था, हमने सीजन वन के फिनाले में देखा था कि कैसे इसने भी गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स में ये शामिल था और इसने भी यूनिवर्स को बचा लिया था, अल्ट्रॉन को हरा दिया था, और उसको यहाँ पर ये काम दिया था। आप इसको कह सकते हैं इसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था कि यहाँ पर ये अब अपनी लाइफ टाइम के लिए, इटर्निटी के लिए हिफाजत करेगा किलमोंगर की। तो हमें यहाँ पर अब कुछ दिखाया जा सकते हैं आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अब इसके सिर्फ तीन ही एपिसोड रह गए हैं, कि असल में सुप्रीम स्ट्रेंज को इससे क्या काम होगा और आज के आने वाले एपिसोड और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं। तो बस वो वाला वीडियो में यही था, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।